जय श्री राम सभी भाई लोगों को। सो आज मैं निकल गया हूँ संडे को एक छोटी सी ट्रिप पे, छोटा सा एक राउंड पे। सो आज अपने साथ में आगे अपने चल रही है एक्सपल्स रैली एडिशन, अपन भी एक्सपल्स रैली एडिशन में है, और एक यस्ती चल रही है अपने साथ और एक अपाचे और है। सो देखते हैं आज कोई अच्छी सी लोकेशन पे पहुँचेंगे। लोकेशन पे पहुँच करके थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करने का मूड है, बाकी देखते हैं ऑफ रोडिंग कर पाते हैं या कोई ऐसी लोकेशन मिलती है कि नहीं मिलती है, क्या सीन रहता है क्या सीन नहीं रहता है। सो देखते हैं। फिलहाल जयपुर सिटी के अंदर अंदर हैं, फिर हाईवे पे पहुंचेंगे। सो सिटी में स्मूथ तरीके से अपनी एक्सपल्स चल रही है, बहुत ही स्मूथ रेस्पॉन्स मिलता है और थ्रॉटल रेस्पॉन्स भी बहुत ही प्यारा है अपनी एक्सपल्स का। सो बहुत दिनों के बाद में थोड़ी बहुत राइड कर रहा हूँ और थोड़ा सा ग्रुप में राइड कर रहा हूँ, तो बहुत दिनों बाद इस तरह की राइड करने का चांस मिल रहा है। तो इधर दे राजा पार्क जाओगे ना, बनी पार्क जाओगे क्या, इधर चलना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसे आएंगे बनी पार्क जाना है। सो बनी पार्क में इनको एक छोटा सा काम है, सो ये अपना काम निपटाएंगे, फिर उसके बाद में हाईवे पे पहुंचेंगे। मेरी बाइक पे सोलो हूँ और एक यस्ती सोलो चल रही है। सो देखते हैं ऑफ रोडिंग या कुछ ऐसा कर पाते हैं या होता है, जो भी होता है। सो लेट्स सी, अब हाईवे पे पहुँच करके देखता हूँ। तो अभी बनी पार्क से सीधा निकल रहे हैं हाईवे के लिए, तो वीकेआई वाला रोड पकड़ के सीधा अपन पहुँचेंगे
जो दौलतपुरा टोल है उस साइड से, और जहाँ तक मेरे को लग रहा है वीके इंडस्ट्रियल एरिए से ही जाना पड़ेगा। सो वहीं से होते हुए पहुँचेंगे जिस लोकेशन पे जाना है उस लोकेशन पे, और वो लोकेशन पे पहुँच करके आपको वो लोकेशन भी दिखाता हूँ और बताता भी हूँ कि उस लोकेशन पे आपको कैसे पहुँचना है और कैसे क्या सीन रहेगा उस लोकेशन का। और मौसम बहुत प्यारा है, मौसम की बात करूँ सो हाँ उमस है, ह्यूमिडिटी है ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, लेकिन हाँ इतनी वो जो तपन वाला सिस्टम नहीं है, गर्मी नहीं है इतनी। और मेरे को इसको हेलमेट को सेट करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा नाक बार बार दब जाता है। सो नाक को सेट करेंगे। अभी हाल फिलहाल सबसे पहले तो हाईवे पे पहुँचते हैं। सो ये सर्कल आ गया, चोमो पुलिया वाला सर्कल है, और यहाँ से अपने को वीकेआई वाला रोड लेना है। सो वीकेआई वाला रोड लेकर के, ओ माय गॉड, दबा दो भाई, सब दबा दो, मार दो। सो सब लोग शायद ज़्यादा आगे निकल गए। सो लेट्स सी कैसा क्या सीट रहता है, कब जा कर के मैं सबसे मिलता, देखते हैं। और अभी हाल फिलहाल मेरे को कोई भी नहीं दिख रहा कि कौन कहाँ है, किस जगह है, तो अभी आगे पहुँच करके देखते हैं। और क्विक थ्रॉटल रेस्पॉन्स मिल जाता है एक्सपल्स में, सबसे बढ़िया चीज़ है कि जैसे ही आप थ्रॉटल दे रहे हो तो बाइक का इंजन का रेस्पॉन्स इमिडिएटली मिलता है। तो और एंड ओवर अच्छी व्हीकल है, अच्छा व्हीकल है के लिए। ऑफ रोडिंग मैंने इतनी प्रॉपर तरीके से ट्राई नहीं करी है, तो आज ट्राई करके देखता हूँ। और मेरे को जहाँ तक उम्मीद है शॉकर तो सारी चीज़ देखते हुए कि हाँ ऑफ रोडिंग में अच्छी चलेगी, बाकी देखते हैं आज थोड़ी ऑफ रोडिंग करेंगे इससे। सो लेट्स सी। और अब आगे हाईवे पे पहुँच करके अब हाईवे पे मिलता हूँ आप लोगों से। हीरो की थैंक यू। बाय। सो हाँ थोड़ा थोड़ा पानी हो जाएगा, डिहाइड्रेशन वाली चीज नहीं रहेगी किसी के भी अंदर। सो इस वजह से पानी की बॉटल ली है और थोड़ा बहुत कुछ खाने को लिया है। सो अभी यहीं से ही मैं नीचे उतर गया था हाईवे पे ना चढ़ कर, और नीचे से ही सर्विस लाइन से ही जाऊंगा। और भूतेश्वर महादेव वाला जो रूट है बैक साइड का, उस रूट पे आज निकलेंगे और उस रूट से होते हुए और पहुंचेंगे भूतेश्वर महादेव वाले ट्रैक पे। सो वहाँ थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग कर पाएंगे इजीलिए, सो वहाँ जा करके थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करेंगे, ऑफ रोडिंग करके और फिर वापस आ जाएंगे घर के लिए। सो लेट्स सी आगे कैसा क्या सीन रहता है, बारिश का कोई भरोसा नहीं है। अगर बारिश हो गई तो मैं मीडियम मोड हटा करके ओनली GoPro ही लगा करके रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि GoPro वाटरप्रूफ है, लेकिन विद मोड मीडियम मोड ये वाटरप्रूफ नहीं रहता है। सो मीडियम मोड हटा करके नॉर्मल इसकी कैप लगा दूंगा, फिर रिकॉर्ड कर लूँगा। सो अभी हाल फिलहाल मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है। सो हाँ कभी कभार मूड हो जाता है इस तरह के मौसम में राइड पे जाने का, तो आज निकल गए और मैं बहुत दिनों बाद निकला हूँ किसी भी राइड पे, क्योंकि लास्ट ट्रिप मेरा रहा जो वो दक्षाई का रहा। सो दक्षाई में जेल म्यूज़ियम देखा और एक हॉन्टेड ब्लॉग भी बनाया है, सो वो हॉन्टेड ब्लॉग भी आएगा। कहा जा सकता है वो हॉन्टेड ब्लॉग तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है और
जो एक्सपीरियंस हुआ मेरा वहाँ पे वो मैंने शेयर किया। सो मेरे को ऐसा कुछ देखने को तो नहीं मिला कि हाँ मेरे को कोई भूत दिख गया हो या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ तो मेरे साथ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जो वाइब्स और थोड़ी बहुत नेगेटिविटी जो फील हुई वो मैंने उस व्लॉग में शेयर करी है। भी थोड़े दिनों में एडिट करके और उसको पोस्ट करूँगा। और अब धीरे 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 नंबर ऑफ वीडियोस अपने बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे ब्लॉग स्टार्ट कर चुका हूँ और स्टार्टिंग जो अपने वीडियोस हैं उनके नंबर तब बढ़ाने में लगा हुआ हूँ। सो ट्राई कर रहा हूँ कि हाँ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कंटेंट और उतनी ज़्यादा चीज़ें उतनी ज़्यादा जगह आप लोगों को दिखा सकूँ। तो लेट्स सी, कोशिश तो करी जा रही है, बाकी देखते हैं कैसा क्या सीन रहता है और क्या होता है। सो ये कट है, वो यहाँ से अपने को नहीं इस तरफ जाना है वापस, गलत ले लिया मैंने कट पे, कोई बात नहीं, आगे से फिर मैच कर लेंगे, फिर मिल जाएंगे उसी रास्ते पे, क्योंकि बहुत टाइम बाद आना होता है, अप्रॉक्स महीने 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 भर बाद, एक एक महीने बाद यहाँ आना होता है। सो इतना याद नहीं रहता रास्ते, पर भूल भी जाता हूँ मैं चीज़ें बहुत जल्दी, तो इस वजह से याद नहीं रहता एग्जैक्टली। ये है वो कट और ये है वो भूतेश्वर महादेव वाला रास्ता जो एक गांव में से होकर के अपने को जाना है। और पीछे की साइड से ऑफ रोडिंग बहुत प्यारी है, सो हाँ कह सकते हैं यहाँ बारिश हुई है अभी आज ही सुबह सुबह। सो हाँ थोड़ा सा डर्ट ऑफ रोड हो जाएगा और पानी भरा हुआ मिलेगा जगह जगह, तो थोड़ा सा अवेयर होकर के चलना पड़ेगा अपने को। क्योंकि गड्ढों का पता नहीं रहता है गांव साइड के, कौन सी जगह कहाँ कितना बड़ा गड्ढा है उसका आइडिया नहीं लगता। सो अपन आगे वाली मोटरसाइकिल को फॉलो करते हुए निकलेंगे और ये पूरा गांव वाला सीन है और ऐसे अच्छा लगता है ट्रैवल करना। ओह माय गॉड कॉल आ रहा है, ओके अपन ने गाड़ी रोकी। हाँ भैया कहाँ पर हो? मैं भैया ये अंदर गांव में से एंट्री आती है ना उसके अंदर पहुंचा हूँ। अरे हम क्या हाईवे से कट मार के नीचे तो उतर गए, वो जो हाईवे वाला मेन है उसके बगल सरस लेन में उतर गए। हाँ हाँ तो हम बीच में हैं और वो जो एक्सपल्स थी ना एक और भैया वाली, हाँ 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 वो शायद पता नहीं कहाँ है, वो आए नहीं अभी तक। हाँ हाँ जो पीछे है एक बार उनको कॉन्टेक्ट करो ना। करता हूँ मैं, अभी कहाँ खड़े हो? हाँ कौन सा पुलिया उतरते ही हो? ये तो हाईवे चढ़ जाता है ना फिर वाइब उतरता है नीचे। हाँ उतरते ही हम बस, हाईवे चढ़ जाता है पुलिया, समझा नहीं मैं। सो फाइनली अब सब लोग मिल गए, तो अब वापस से स्टार्ट हो गई जर्नी और इस तरह का व्यू है पूरे रूट का। सो The day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great.